खान पान रीति रिवाज वगैरह ऊपर की बात है, आचार धर्म है वो बदलते रहता है, लेकिन मूल्य समान है, क्योंकि इस सत्य के वो है, वो कोई कल्पना नहीं है, थियरी नहीं है, उस सत्य को साक्षात किया, वो सत्य सदा विद्यमान रहता है। उसके आधार पर हमने कहा कि धर्म से चलो। क्या धर्म है? सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, बस चार बातें। बाकी किसकी पूजा करना, किधर पैर करके सोना, कौन सा कपड़ा पहनना, कब क्या खाना पीना, आचार धर्म है, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है। जो चलता है वो रखो, जो बदलना है वो बदलो, परंतु जो भी करोगे, जिस किसी नाम रूप से करोगे, वो सत्य होना चाहिए, सत्य से मेल खाने वाला होना चाहिए, उसमें सबके प्रति करुणा चाहिए, संवेदना चाहिए, अंतर्बाह्य शुचित्व धारण करके तुम ये विचार करोगे तो ये करुणा संभव है, ये सत्य संभव है, और उसके लिए तुमको तपश्चर्या करनी पड़ेगी। ये चार जिसमें नहीं है, इस चार में से एक का भी अधिक्षेप या तिरस्कार जिस बात में होता है वो अधर्म है, चाहे वो चलता आया हो। इसलिए अस्पृश्यता अधर्म है, जात पात की विषमता भेद अधर्म है, कहीं भी लिखा हो इसमें सत्य हम सब एक है इसका अधिक्षेप होता है, इसमें परस्पर संवेदना करुणा का अधिक्षेप होता है, इसमें तन मन की शुचिता का अधिक्षेप होता है, और इसमें तपस की प्रतिष्ठा कम हो जाती है, और कुछ नहीं, बस इतना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। यह विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं, हम हिंदू संगठन करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेषां अविरोध चलता है। लोग हैं जो इसी को मानते हैं लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते हैं, या डरते हैं, या विरोध भी करते हैं, नहीं चाहिए ये सब, लेकिन आशा यही है, हमको कोई कष्ट नहीं है उसका, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय शब्द का उपयोग करते, इंडिक शब्द का उपयोग करते, चलता है, अर्थ वही है, हम अपनी स्पष्टता के लिए इस शब्द पर पक्के रहेंगे, इसका उपयोग करेंगे। और सत्य, करुणा, शुचिता और तपस के आधार पर संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे। ऐसे आधार पर जो शक्ति खड़ी होती है वो कभी उपद्रवी शक्ति नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ छील रहता है। प्रार्थना में है हमारी, अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति, हमने अजय्य शक्ति मांगी भगवान से, जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसी शक्ति मांगी जिससे हम सबको जीते, ऐसी शक्ति नहीं मांगी, क्योंकि हमको जीतना नहीं, हमको जोड़ना है। और इसलिए हमारी प्रार्थना में शब्द है, हमको कोई जीत न सके, क्योंकि दुनिया दुष्ट है, वो जीतना चाहती है, उनसे ये मूल्य, उनका ये आचरण सुरक्षित रहे, इसको सारी दुनिया को देना है, इसलिए अजय्यांच शक्तिस्य शक्ति ऐसी मांगी है हम, विश्वस्य अजय्या शक्ति। और तुरंत मांगा है सुशीलम जगत येन नम्रम भवेत, जहां सत्य, करुणा, तपस, शुचिता है वहां ये शक्ति शील के साथ आती है, और इसलिए वो सदा कल्याणकारी रहती है, दुर्जनों को धाक रहता है उसका, दुर्जन है। और जब ऐसे आतताई लोग, आतंकी लोग, दुर्जन लोग आक्रमण करते हैं तो आत्मरक्षा, आप्तरक्षा सबका केवल अधिकार नहीं, वो कर्तव्य बनता है। संपूर्ण समाज ने सत्य के पक्ष में ऐसे रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए, लेकिन ये केवल आतंकियों के लिए, दुष्टों के लिए है, हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रण है, वो काम हम करते हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में है, सदा रहे। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है,
और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं, आना जाना दोनों चल रहा है। ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा। क्योंकि समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं, अब कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में, और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था क्या नहीं उसकी चिकित्सा नहीं करते, जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ, पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए। हिंदू समाज में ये मुखरता है, ऐसी घटनाएं घटती है तो कोई हिंदू भी आरोपित है उसका भी निषेध करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी गलतफहमी में हमको भी गाली खानी पड़ी है, हमको भी उत्तर देने पड़े। आज हम समाज के विश्वास पात्र है, समाज हमको चाहता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें तो हमारी टांग और कान पकड़ के खींचेगा समाज। हिंदू समाज ऐसा है, सबको ऐसा बनना चाहिए। जो जो गलत है, कितना भी प्रोवोकेशन हो, कितना भी उकसावा हो, कानून के मर्यादा में रहना चाहिए, संविधान के मर्यादा में रहना चाहिए, अपना आचरण उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हम सब ने मिलकर अपने ऊपर लाद लिया अनुशासन है, उसका पालन करना ही चाहिए। नहीं करते तो गलत आचरण है, उसके खिलाफ मुखर होना चाहिए। ये मुखरता समाज का स्वभाव बनना चाहिए, इसके नियंत्रण में सक्रियता और सहयोग समाज का स्वभाव बनना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। कानून संविधान के मर्यादा सबको पालन करनी चाहिए, और उसके अंदर विरोध जताते समय भी अपने बोलने से समाज जुड़े, जुड़ जाए, टूटे नहीं। दिल को किसी के टोड़े मत, श्रद्धा को किसी को श्रद्धा का ठेस न पहुंचाए, इसका इसकी चिंता करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सब लोग दिखते भिन्न है, लेकिन हम दिखते अलग है इसलिए हमारा अलगाव है, हम एक दूसरे के नहीं है, हम भारत से अलग है, हमको अलग चाहिए। ये गलत विचार है, इस गलत विचार का दुखभरा परिणाम हमने देखा है। ऐसा गलत विचार करने के कारण भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ये प्रसंग हुआ। हमको फिर से उस रास्ते से नहीं जाना है, हमको एक रहना है, हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है। हम भारत के, हम भारत के पूर्वजों के, हम भारत के संस्कृति के हैं, हम भारत के पूर्वजों के हैं। हम चाहे पंथ संप्रदाय से अलग अलग हो, भाषा प्रांत से अलग अलग हो, खान पान रीति रिवाज अलग अलग हो, हम समाज और राष्ट्रीयता के नाते एक है, यही हमारे लिए तारक मंत्र है। ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। योगी अरविंद, उनका भी जन्मदिन 15 अगस्त का ही था, तो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने एक संदेश दिया, उसमें उन्होंने 5 स्वप्न अपने बताए। पहला स्वप्न था स्वतंत्र अखंड एकात्म भारत। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मिल गई
और अपने संविधान के कारण सारे अलग अलग संस्थान एकत्र होकर एक देश बना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। परंतु पाकिस्तान हुआ, भारत का विभाजन हुआ, इसके कारण हिंदू मुसलमानों की खाई दूर होने के बजाय एक नई शाश्वत राजनीतिक खाई बन गई। ये गलत हो गया। जिस किसी मार्ग से जाना है उस विभाजन को जाना चाहिए, नहीं तो भारत की उन्नति, भारत की प्रगति और शांति और भारत का दुनिया में जो योगदान अपेक्षित है उसके मार्ग में ये सदा बाधा बनता रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि विश्व को एक करना मैं चाहता हूं, उसके लिए यूनो वगैरह जैसी संस्थाएं बन गई द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, ये अच्छी बात है, वहां जरा न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए। भारत को उसको सशक्त करना पड़ेगा। और इसलिए तीसरा स्वप्न, भारत की आध्यात्मिकता का सारे विश्व में सर्वसंचरण होना पड़ेगा और विश्व की मानवता पर अतिमानस का अवतरण होना पड़ेगा, यानी मानवता सामान्य रूप से उन्नत होनी पड़ेगी। इन पांच स्वप्नों को वो देखते थे, उन्होंने अपने पत्र में वो लिखा, संदेश में लिखा। और इसलिए कर्तव्य का जो संदेश उन्होंने उसमें लिखा है वो हम सबके लिए अतिशय मननीय और करणीय संदेश है। उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मूल अंग्रेजी में है पत्र, वो हिंदी में है, मैं करता हूं और बताता हूं। महर्षि अरविंद कहते हैं, राष्ट्र के इतिहास में ऐसा समय आता है जब नियति उसके सामने ऐसा एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य रख देती है जिस पर अन्य सब कुछ, चाहे वह कितना भी उन्नत या उदात्त क्यों न हो, नोछावर करना ही पड़ता है। हमारी मातृभूमि के लिए अब ऐसा समय आया है जब उसकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय नहीं, जब अन्य सब उसी के लिए प्रयुक्त करना है। यदि आप पढ़े तो उसी के लिए पढ़ो, शरीर मन व आत्मा को उसके सेवा के लिए ही प्रशिक्षित करो, अपनी जीविका इसलिए प्राप्त करो कि उसके लिए जीना है, सागर पार विदेशों में इसलिए जाओगे कि वहां से ज्ञान ले आकर उससे उसकी सेवा कर सके, उसके वैभव के लिए काम करो, वह आनंद में रहे इसलिए दुख झेलो। इस एक परामर्श में सब कुछ आ गया। आज का समय देखते हैं तो आज भी हमारे लिए कर्तव्य का यही संदेश है, गांव गांव में सज्जन शक्ति, रोम रोम में भारत भक्ति, यही विजय का महामंत्र है, दसों दिशा से करे प्रयाण, जय जय मेरे देश महान। इस कर्तव्य पथ पर हम सब स्वयं सेवक आगे बढ़े, समाज भी हमारे साथ आगे आए, स्वतंत्र रूप से भी हमारे साथ चल सकता है, हम सब लोग साथ मिलकर चले और परम वैभवी भारत को विश्वगुरु बनाए। इस आवाहन के साथ मैं अपने चार शब्द समाप्त कर